आप घर में बनाए, खुद भी खाएं और मेहमानों को खिलाएं। दुआओं में याद रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताना कि हमारी डिश आपको कैसी लगी है। दुआओं में याद रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आलू अंडे बनाएंगे। 6-10 हमने अंडे लिए हैं, उनको उबाल लिया है। एक दरमियाने से ऐसी प्याज ली है, 3 अदद आलू लिए हैं हमने, बारीक काट लिए हैं, 1 अदद टमाटर, ज़ीरा, अदरक और सब्ज़ मिर्च और सूखा धनिया, यह कसूरी मेथी। चले आए हम पकाते हैं कि आलू अंडे कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। जब कुकिंग ऑयल गर्म होगा तो फिर हम इसमें प्याज डालेंगे। कुकिंग ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसमें प्याज डाल रहे हैं और प्याज को हम फ्राई करेंगे। हम प्याज को कुकिंग ऑयल में डाल दिया है, अब हम प्याज को ब्राउन कर रहे हैं। हल्का ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसमें टमाटर डालेंगे और साथ और मसाले जो है वो डालेंगे। प्याज हमारा गोल्डन हो गया है, अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। और 1 चम्मच नमक। लाल मिर्च 1.5 चम्मच। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और मसाले को अच्छी तरह हिलाएंगे। यह हल्दी पाउडर, अदरक, सब्ज मिर्च और सूखा धनिया, ये इनको मैंने पीस लिया था। लहसुन मैंने नहीं डाला, लहसुन आलू में नहीं डालते। अदरक, सब्ज मिर्च और सूखा धनिया, इनको अच्छी तरह मैंने पीस लिया है। अब मसाले को थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मसाले को अच्छी तरह भूनेंगे। यह कसूरी मेथी अच्छी तरह साफ करके हाथों से मसल कर डालें। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू है मेथी की। यह साबुत गरम मसाला, मसाले को अच्छी तरह भूनना है जब तक भूने टमाटर बिल्कुल गल जाए, अच्छी तरह भी नज़र निकलना शुरू हो जाए तो फिर हम इसमें आलू डालकर अच्छी तरह भूनेंगे। पहले मसाले को अच्छी तरह भूने 3 से 4 मिनट तक। माशाल्लाह, ये देखें हमारा मसाला रेडी हो गया है, अब हम इसमें आलू डालकर अच्छी तरह भूनेंगे। चार पाँच मिनट हमने आलू को अच्छी तरह भूनना है, फिर इसमें हम पानी डालेंगे। इतना पानी डालना है कि आलू हमारे गल जाए। जब आलू गल जाएंगे तो फिर हमने इसमें अंडे काट के डालने हैं। आप चाहे साबुत भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो दो दो टुकड़े करके भी डाल सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त आलू अंडे बनेंगे, सालन आलू अंडे का। माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है।
माशाल्लाह जबरदस्त, ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है। हमारे आलू अच्छी तरह भुन गए हैं, अब हम इसमें पानी डालेंगे ताकि आलू गल जाए। हल्का सा शोरबा रखेंगे, ये देखें जबरदस्त बहुत प्यारा कलर है माशाल्लाह। बस इतना पानी डालना है, आलू गल जाए हमारे। हमारे आलू रेडी हो गए हैं, अब हम इसमें अंडे ऐड करेंगे, फिर आपको डिश आउट करके बताएंगे। आपने बताना है कि हमारे आलू अंडे कैसे बने हैं, कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमारा आलू अंडे का सालन कैसा बना है। जबरदस्त माशाल्लाह, हमारे आलू अंडे रेडी हैं। आप घर में बनाएं, खुद भी खाएं और मेहमानों को खिलाएं। दुआओं में याद रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताना कि हमारी डिश आपको कैसी लगी है। दुआओं में याद रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।